पिहेवा के पास गांव बड़ा सियाना में एक दुकानदार को जान से मारने की कोशिश की गई। मारने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार और जख्मी दुकानदार को पिहेवा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन उसको वहां से कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा आजाद न्यूज टीवी। मैं पत्रकार कमलजीत डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। आज हम वहाँ पहुँचे हैं गांव बड़ा सियाना में। यहाँ पर जान लेने की कोशिश करी गई है और कसियों के साथ मारकर पांच जगह उस पर वारदात की गई है, जो कि मुल्खा नाम बताया जा रहा है और इसकी कबाड़िए की दुकान है, जो कि हम दिखा रहे हैं। यहाँ का सारा दृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से यहाँ पर देखा, रात 2 बजे की कार्रवाई बता रहे हैं। अभी 2 बजे इस पर जान से मारने का हमला हुआ है। अब हम आ पहुंचे हैं सरकारी हॉस्पिटल में पिहोवा शहर में। आइए उनके बयान लेते हैं जिसके साथ वारदात हुई थी। आइए आइए हम पूछते हैं कि क्या क्या वारदात हुई। दुकान पर जाने से पहले दुकान पर जाने के पहले हमारी गाड़ी रुकी, कम से कम 6:30 बजे गाड़ी रोज कर रहे थे निशान सिंह जी। गाड़ी रोज करने के बाद हम दोनों बाप बेटे हम घर आ गए भी, और बाप को क्यों आगे बढ़ाना। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद दोबारा पापा गए 9:30-9:30 बजे दुकान पर भी, हमारी दुकान पर सामान बाहर था, तो डैडी जी वहाँ पर जाके लेट गए। जैसे जब सोने के लिए गए थे, जाकर लेट गए। लेटने के बाद तकरीबन 1:30 बजे देखा डैडी जी की तकरीबन आँख से थोड़ी बहुत नींद में थी, थोड़ी बहुत आँख खुल रही थी, और ऊपर जाकर उसने किसी के साथ मार किया निशान सिंह। उसने किसी के साथ वार किया, तो उस वजह से उनके सिर में बहुत ज़्यादा घाव आ रहे हैं। कितने बार किए उन्होंने? कम से कम 5-6 बार मार किए किसी के साथ। 6 बार पाँच छः बार मारते हुए तो फिर वो बोलने लगा कि मैं साले बाजीगर, 1.5 किलोमीटर को मैं जान से मार दूँगा, तो दुकान को खा लूँगा यहाँ से। उसके बाद उन्होंने बात हुई, उसके बाद ये वहाँ से भागे जान बचा कर अपनी भाई, उनके जंगल से छोड़ कर भागे। तो कॉलोनी में सुभाष के घर जाते उनको आवाज़ लगाई, वो दरवाजे से निकल कर आए, तो सुभाष के परिवार में से मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा को ऐसे ऐसे कर दिया। फिर मैं सीधा वहाँ से दुकान से मेरे को नहीं मिला कुछ भी, तो सीधा मैं हॉस्पिटल गया। हमारे यहाँ सीधे गाँव सेना सीधा में हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा भी हमारे पास में इसको पेवा रेफर कर। जब हम टीवे लेकर आ गए 1:30 बजे, मैडम ने यहाँ पर मेडिकल किया, मेडिकल में सभी ब्लड लेकर रखा है, जबकि शार्प होना चाहिए, सिर में इतने बड़े तक लग रहे हैं कसी के शार्प ही केस बन सकता है, ब्लड तो किसी वजह से नहीं हो सकता, जबकि मैडम ने ब्लड लेकर रखा है। तो इसलिए हमें इस चीज़ की अभी रमजान लेकर जा रहे हैं। उनका दांत, ये देखो उनका दांत भी टूट रहा है। कसी जिस कसी से बात किया वो कसी मेरे पास आज भी बरामद है, उसके ऊपर ऐसे खून के छिटे लग रहे हैं। तो ये है कि अगर यहाँ पर कुछ हमारी सुविधा नहीं करी जा रही थी, इस करके अब हम उसे तक लेकर जा रहे हैं। ये 1:30 बजे के बीच वारदात है, मेडिकल यहाँ पर 2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा लगभग, और उसे तरह इसको रेफर कर दिया गया है, और कसी गाड़ी में पड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।